जनपद संभल की चंदौसी में रहने वाली राज्य मंत्री गुलाब देवी ने मुस्लिम भाई के राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। जनपद संभल की चंदौसी में रहने वाली उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने शहर में रहने वाले अपने मुस्लिम भाई सलीम सैफी के घर पर पहुंचकर उनके राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस अवसर पर राज्य मंत्री गुलाम देवी ने बताया कि वह रक्षाबंधन का त्यौहार अपने इन भाइयों के साथ पिछले कई वर्षों से मना रही हैं। उन्होंने बताया कि यह त्यौहार वह अपने भाइयों के साथ मनाने आई हैं। यहाँ पर न कोई हिंदू है और न ही कोई मुस्लिम। कैसा महसूस करते हैं आप? ये कोई पहली बार नहीं है, बीसियों वर्षों से बहन जी से हमारा ये प्रेम जुड़ा हुआ है और हमारी बहन बड़ी बहन है, बड़ी बहन माँ नहीं तो माँ से कम भी नहीं होती है। उनका ये प्यार हमारे लिए हमेशा बना रहा है और ये आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा, इसके लिए हम जो है बहुत खुश हैं। और मंत्री नहीं थी तब भी हमारे यहाँ आती रही हैं, हमें वही प्रेम उनका मिलता रहा है और वही प्रेम उनका मिलता रहे। जैसा माहौल आप देख रहे हैं ये वातावरण चंदौसी में हमेशा रहा है और आज तो एक राखी बंधन है। हम तो स्वतः ही यहाँ चंदौसी की सब जनता, मैं तो कह रही हूँ कि वर्तमान समय में प्रदेश की पूरी जनता माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एकता के सूत्र में पिरोई हुई है। यहाँ पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता है, सब लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और सब लोग अंदर से उत्साहित हैं। अभी धारा 370 हटी है, हमारे सभी लोग इतने प्रसन्न हैं कि उनके परिवार कश्मीर में जिन लोगों के साथ शोषण किया जाता था आज वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी प्रकार का भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और आध्यात्मिक कुछ भी विकास कर सकते हैं। आज सबको पूर्ण स्वतंत्रता मिली है, वो तीन लोगों के अब गुलाम बन के नहीं रहेंगे।